अलवर लोकसभा चुनाव की मतगणना भी गुरुवार को होगी। जिला प्रशासन की ओर से राजकीय बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रदीप सिंह ने बताया कि गुरुवार की सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर की गणना होगी और उसके बाद ईवीएम मशीन से काउंटिंग की जाएगी। सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों की गणना के लिए 11 कक्ष तैयार किए गए हैं और सभी कक्षों में 14 टेबलों के माध्यम से कर्मचारी गणना करेंगे। गणना के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त ऑब्जर्वर भी अलवर आ चुके हैं। विधानसभा जो हमारे क्षेत्र हैं उनके लिए अलग अलग से मतगणना कक्ष बना दिए गए हैं। अमूमन तौर पे हर मतगणना कक्ष के अंदर 14 टेबल लगाए गए हैं, यानी कि एक राउंड के अंदर 14 बूथ्स हमारे कवर होंगे। उसके अतिरिक्त एक टेबल एआरओ का टेबल रहेगा जिसके ऊपर पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएँ जो हैं वो कर ली गई हैं। 3 ऑब्जर्वर साहिबान काउंटिंग के पर्पज़ से ज़िले में पधार चुके हैं। कल सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की ETPBS की जो गणना है वो शुरू होगी और भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 8:30 बजे से EVM से काउंटिंग शुरू हो जाएगी।